कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ने लगी है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, अगर गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर होगा तो उस पर उनकी पार्टी विचार करेगी। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन। हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ।